क्या सब स्टेशन अटेंडेंट की भर्ती हो चुकी है, अब क्या सब स्टेशन अटेंडेंट की भर्ती नहीं आएगी, और जिन भी अभ्यर्थियों का सब स्टेशन अटेंडेंट का एग्ज़ाम निकला है, उनका रिजल्ट फाइनल निकला है, तो उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, क्या वेटिंग पैनल जारी होगा या नहीं होगा, यही सवालों का जवाब जो है आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए मैं लाया हूं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एग्ज़ाम ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको जो है प्रतिदिन जो है करंट अफेयर भी वहाँ पर फ्री भेजे जाते हैं, उनका लाभ भी आप उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं, चाहे आप पुलिस की भर्ती दे रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल की भर्ती। तो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में एसएससी की भर्ती कब आएगी। तो एसएससी की भर्ती हालांकि अभी एसएससी के 163 पद बहुत बड़ा आंकड़ा होता है वो फिल किया गया, तो अभी तक सरकार इसके ऊपर जो है निर्णय नहीं लेने वाली है। 1-2 साल तो आप भूल ही जाइए कि सब स्टेशन अटेंडेंट की भर्ती है। हाँ, हालांकि इसके अलावा कुछ भर्तियां ऐसी हैं वो जल्दी आ सकती हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। बट अगर हम बात करें कि जो सब स्टेशन अटेंडेंट की जो भर्ती निकाली गई थी उसका जो रिजल्ट आया, तो उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। तो हाँ दोस्तों, सभी को ज्वाइनिंग के लिए लेटर जो है अभी तक नहीं आया है, ये मैं मानता हूँ, बट कुछ लोगों को कॉल्स जरूर पहुंच चुकी होगी। तो जितने भी सर्कल वाइज, जितने भी कुछ लोगों को जो है सर्कल से ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा रहा है, और कुछ लोगों को डायरेक्ट कॉल करके उनको जो है उनके सर्कल में बुलाया जा रहा है उनकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए। ये लास्ट डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है, जिसमें आपको अपना मेडिकल चेकअप और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और आपके तमाम जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो वेरीफाई होंगे और आपकी ज्वाइनिंग वहां पर हो जाएगी। इसकी लास्ट डेट कब है? देखिए सर, अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखिए हिमाचल प्रदेश में सब स्टेशन अटेंडेंट का जितने भी अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण इसकी परीक्षा की, तो उसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं पहुंचा है, तो 23 तारीख से पहले पहले अपने सर्कल में जाएं, जिस भी सर्कल में आपका नाम आया है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा कि आपका सर्कल जो है सिलेक्शन कहां हुई है, ये आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और 23 तारीख मैंने आपको बता दी, तो सितंबर 23 से पहले पहले आप अपना पता कर लीजिए। अगर आपको कॉल आ चुकी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, और वीडियो को भी जरूर से लाइक करते जाइए, क्योंकि आपके आपका मोटिवेशन रहेगा, तभी मैं आपके लिए देखिए इतना जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा। तो वेटिंग पैनल आएगा या नहीं आएगा, ये भी सवाल आपके मन में था। तो दोस्तों देखिए, वेटिंग पैनल का क्या है कि अभी बात की मैंने लोगों से, तो उन्होंने कहा कि वेटिंग पैनल जो है हम भेज देंगे ज्वाइनिंग के बाद। और जितने भी लोग हैं, देखिए 7 वैकेंसीज, अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो 7 वैकेंसीज ऑलरेडी वेटिंग पैनल पर आ रही हैं दोस्तों एसएससी में। तो जो भी कैंडिडेट वेटिंग पैनल पे फंसे हुए हैं, देखिए 7 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती है। 7 वैकेंसीज में कुछ ऐसे लोग थे जिनका आपका असिस्टेंट यानी असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर था वो निकल चुका है, और कुछ का SJVN में उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो टोटल मिलाकर अभी तक तो 7 अभ्यर्थी हैं। तो 7 अभ्यर्थी जो भी SSC में नहीं उनकी सिलेक्शन हुई है, तो उन अभ्यर्थियों की 7 लोगों की सिलेक्शन जो है ज़रूर से बोर्ड जो है वेटिंग पैनल बनाएगा। जैसे ही देखिए बोर्ड अगर वेटिंग पैनल भेज रहा है किसी बोर्ड को यानी चयन आयोग को, तो उसको वेटिंग पैनल जो है वहां पर जो है वहां से वेटिंग पैनल से वो बंदों को उठा लेगा। तो आप सभी को मैंने बता दिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वेटिंग पैनल आएगा ही आएगा, एसएससी का सबसे पहले आएगा या किसी का आएगा, ये डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट में। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बात चल रही है वेटिंग पैनल की, तो वो वेटिंग पैनल जैसे ही भेजेंगे तो ये वेटिंग लिस्ट जो है पब्लिश जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा या फिर नई एजेंसी करेगी, ये देखना अब बाकी है। तो तमाम जितनी भी खबर होती है वो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। जितनी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको हमारे चैनल के थ्रू जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दी जाएगी। और उसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं JEE की, देखिए हमने जो है बैच स्टार्ट कर दिया है जिसमें जो है आपके एग्जाम लिए जा रहे हैं। देखिए SSC तो कंप्लीट हो गया, बट जो भी लोग BTech करके डिप्लोमा करके अगर JEE की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म
फॉर्म से अपनी एग्ज़ाम आईडी पा सकते हैं और हमने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, उस एप्लीकेशन में आप लॉगिन करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज पहला एग्ज़ाम है, तो आज 17 तारीख है, तो कल को जिन भी लोगों ने उस जो भी हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपना रैंक हासिल किया तो उनको पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। पर सबसे पहले उनको जो है अच्छा रैंक हासिल करना है। जितने लोग हमारे एप्लीकेशन में बढ़ते जाएंगे उसी तरह से हम अपना जो प्राइस पूल है उसको इंक्रीज करते जाएंगे। ये आप ड्रीम इलेवन की तरह मान सकते हैं, बट यहाँ पर वही लोग अपना रैंक हासिल कर पाएंगे जो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद दोस्तों।